हेलो फ्रेंड्स, आपने अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं बहुत दिनों बाद आया क्योंकि कुछ एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी। क्या है कि मोबाइल में ही दिक्कत था, तो जिसके कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो उसको किसी तरह से सोल्व किया गया है और इसमें हमारे द पॉलिटेक्निक क्लासेस के मेंबर, उसमें सबसे हमारे जो आलोक सर हैं और जो भी हैं कुंदन सर, इन सभी के सहयोग से उस प्रॉब्लम को सोल्व किया गया। तो थोड़ा सा टाइम डिले हुआ, तो ये सर को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा कि उन्होंने ये इस प्रॉब्लम को हैंडल किया। तो चलिए आइए, हम लोग आज फिर से द पॉलिटेक्निक क्लासेस पे एक बहुत अच्छे टॉपिक पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ, जो कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे ग्रुप में कि सर ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या होता है, किस तरह से इसको करना है, कहाँ से करना है और करना ज़रूरी है, या फिर कुछ तो स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट क्या है ऐसा बना हुआ है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट वे में जाते हैं, कहीं से सर्टिफिकेट खरीद करके ले आते हैं। तो करना चाहिए या करना नहीं चाहिए, क्यों करना चाहिए, करना चाहिए तो इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात मैं बता दूँ, आप लोग डिप्लोमा कर रहे हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, कोई भी स्टूडेंट हो कोई भी इंजीनियरिंग से कर रहे हो, सारे ब्रांच के स्टूडेंट के अंदर में एक जिज्ञासा होती है कि मैं जैसे ही डिप्लोमा फाइनल कर लूँ उसके बाद कहीं पे ट्रेनिंग में जाऊँ, कहीं पे जॉब लगे, तो वहाँ के बारे में जानने के लिए क्या होता है। हम लोग डिप्लोमा में थियोरेटिकल पढ़ते हैं, खास करके कॉलेज वगैरह इसमें प्रैक्टिकल करते हैं, लैब वगैरह करते हैं, तो कुछ डिवाइस वगैरह ये सबसे परिचय हो पाता है हमारा। तो कोई इंट्रोड्यूस हैं, किसी डिवाइस का नाम जानते हैं, कोई ऐसे हैं कि पूरा सेमेस्टर पढ़ लिए फिर भी उनको कोई डिवाइस वगैरह ये सब ना तो कभी देखें, तो ऐसा भी कंडीशन होता है। तो ये सारे कंडीशन को ही हटाने के लिए, मतलब कि ये सारे कंडीशन, ऐसा कंडीशन ना हो कि आप डिप्लोमा कर लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में और उससे रिलेटेड कोई अगर कहीं पर कुछ आ जाए, उतना तो ओवरऑल 3 ईयर अगर आपने डिप्लोमा किया तो आपको कुछ ना कुछ तो जानकारी हो ही जाती है, चाहे आप कितना भी लो स्टूडेंट रहें तो कुछ ना कुछ आपको टेक्निकली नॉलेज हो जाता है। तो इसी सब नॉलेज का, जैसे हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो अभी तक हम लोगों ने 5th सेमेस्टर में आने से पहले जो 3rd सेम 4th सेम से हमारा क्या होता है, तो टेक्निकल सब्जेक्ट जो हमारा ब्रांच पेपर होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इन सारे ब्रांच पेपर में, चाहे वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर आपका रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन हो या फिर टेलीविज़न इंजीनियरिंग हो, माइक्रो प्रोसेसर हो, तो ये सब जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, ये सब में हम लोगों ने अलग अलग टाइप के डिवाइस वगैरह ये सब के बारे में पढ़ा, अलग अलग कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो वो सारे कम्युनिकेशन सिस्टम में ये जो ट्रांसमीटर है, रिसीवर है या फिर कोई और रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से जो स्विचिंग सर्किट के लिए UJT VJT वगैरह ये सब बहुत सारे कंपोनेंट है, बहुत सारे डिवाइसेस हैं, तो ये सारा यूज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी वर्क को परफॉर्म कराने में, चाहे वो टेलीविज़न का ब्रॉडकास्टिंग हो या फिर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो या फिर सेटेलाइट कम्युनिकेशन हो, तो ये सब माइक्रोवेव ट्रांसमिशन हो, तो ये सब के लिए क्या होता है अलग अलग टाइप का हम लोग इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसमीटर, रिसीवर और भी बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। बेसिकली रूप से देखा जाए तो हम लोग का ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, बट ये क्या है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। क्योंकि हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है आप लोग बेहतर से समझ रहे हैं, तो ये इससे ये रिलेटेड है। तो ये इसमें हम लोग टेलीकम्युनिकेशन का पार्ट, जैसे आप लोग अभी 5th सेम में टेलीविज़न इंजीनियरिंग, रेडियो इंजीनियरिंग, तो ये सब क्या है, तो टेलीकम्युनिकेशन का पार्ट है, तो इसके बारे में जान रहे हैं। तो इससे जो ये जो हमारा 5th सेम में फाइनल ईयर में फाइनल आप लोग का फाइनल सेमेस्टर आने से पहले जो ये ट्रेनिंग होता है, इम्प्लांट
इम्प्लांट ट्रेनिंग एंड विजिट टू वर्क। तो ये क्या है सेक्शन कि जैसे ही आप लोग फाइनल करिएगा, आप लोग कहीं पे जॉब वगैरह ये सब में जाइएगा, तो वहाँ से पहले ये क्या होता है डिप्लोमा कोर्स में हर एक स्टूडेंट को फिफ्थ सेम में फोर वीक का ये ट्रेनिंग होता है, 4 वीक का होता है। और ये आपका ट्रेनिंग दिया जाता है, मतलब कि आप लोग कहीं पे कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोई भी उससे रिलेटेड हो सकता है, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे किस तरह से आपके ब्रांच से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है, जो भी डिवाइसेस है, ट्रांसमीटर, रिसीवर या फिर और कोई भी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, तो उससे आप किस तरह से आप वर्क परफॉर्म कर पाते हैं उसको जानने के लिए ये दिया गया है कि आप वो कोई भी इम्प्लांट में जाए, वहाँ के हो रहे हैं किस तरह से हम लोग वर्क कर रहे हैं उससे लेकर के उसमें आप जाएं, 4 वीक तक आप वहाँ पे जाएं, उसके बारे में जानें किस तरह से वर्क कर रहा है, उसके बारे में कुछ ना कुछ जान करके वो कैसे वर्क कर रहा है इसको आप लोग देखें समझें। इससे आपका क्या होगा, एक जो जैसे कोई भी पढ़ते हैं तो वो पढ़ने के बाद उसको कहाँ पे हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं ये जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है कोई भी स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, उसको हम देखें रियलिटी में कि कैसे ये वर्क करता है। तो ये सब को लेकर के ही ये आप लोगों को क्या किया गया है, तो फिफ्थ सेमेस्टर में एक ऐड किया गया है तो इम्प्लांट ट्रेनिंग एंड विजिट टू वर्क। ये सेशन में, इस सेशन में हम लोग क्या करते हैं, तो ये सेशन में हम लोग अपने ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकोम्युनिकेशन से रिलेटेड जो ब्रांच है इससे रिलेटेड जो भी है, जैसे हम मैं यहाँ पे कुछ लिखा हूँ कुछ रिलेटेड जो हमारे जहाँ पे हम लोग का मतलब कि ट्रेनिंग कर सकते हैं हम लोग इससे रिलेटेड, जैसे BSNL हो गया, प्रसार भारती हो गया, उसके बाद रेडियो स्टेशन कोई भी रेडियो स्टेशन, फिर आपका TV स्टेशन दूरदर्शन वगैरह ये सब हो गया, फिर आप लोग रेलवे एंड सिग्नल सिस्टम स्टेशन अपने ये सब कोर्स हैं, या फिर कोई भी ऐसा कोर्स हो, एनी अदर इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हो जहाँ पे मे बी यूजफुल टू द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड यूजफुल करके वहाँ पे यूज कर रहे हैं, आप वहाँ पे जा करके ये 4 वीक का कोर्स आप लोग कर सकते हैं। तो इसमें सबसे टॉप मोस्ट में हम लोग देखा जाए तो ये टेलीकोम्युनिकेशन से रिलेटेड तो हम लोग का क्या है, तो BSNL क्या है, तो BSNL के द्वारा हम लोग देख रहे हैं टेलीकोम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करते हैं, मतलब कि टेलीकोम्युनिकेशन का प्रोसेस हो पाता है, टेलीकोम्युनिकेशन ब्रॉडबैंड हो गया या फिर कॉलिंग हो गया, तो ये सारा ये कराने का वर्क करते हैं, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं तो कर पाते हैं। तो इसका आप लोग BSNL ऑफिस में जा कर के वहाँ पे आप लोग इसकी जानकारी ले सकते हैं, वहाँ पे आप जा कर के सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि सर यहाँ पे ट्रेनिंग होता है। आप लोग अपने क्षेत्र में जो भी जहाँ पे हैं, जिस कॉलेज से है या फिर कहीं पे भी हैं, जैसे गया में भी BSNL ऑफिस है तो वहाँ पे होती है, वहाँ पे ट्रेनिंग 4 वीक का होता है, तो आप लोग वहाँ पे जा कर के खुद से पूछ सकते हैं कैसे होता है। फिर उसके बाद आपका प्रसार भारती, ये भी गया में है, गया में प्रसार भारती भी है, आपका सुधा डेयरी फैक्ट्री है उसके जस्ट इन फ्रंट सामने ही प्रसार भारती है। BSNL आपको ऑफिस मिल जाएगा GB रोड में मिल जाएगा गया में, और भी अपने इलाके के कोई भी BSNL आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पे BSNL ऑफिस में जाके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। फिर उसके बाद रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन है आपका, दूरदर्शन में आप जा करके आप ट्रेनिंग कर सकते हैं 4 वीक का। तो फिर उसके बाद रेलवे में सिग्नल का जो सिस्टम है उसमें आप रेलवे में जा कर के रेलवे में यूनिट में जा कर के आप वहाँ पे 4 वीक का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं, या फिर कोई भी इससे रिलेटेड आप लोग वहाँ पे जा कर के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ये सारा इतना हो गया जो कि आप यहाँ पे जा कर के ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो क्या होता है, इससे आपको एक ओवरव्यू मिलता है, आपके अंदर एक नॉलेज का डेवलपमेंट होता है कि आखिरकार जो हम लोग इतने मेहनत से पढ़ रहे हैं उसका यूज कहाँ पे हो पाता है। आप रियलिटी वे में वहाँ पे जाते हैं, विजिट करते हैं, सीखने को कुछ मिलता है, कुछ समझने को मिलता है। तो ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वगैरह ये सब है जो कि आपको एक वे में काम देगा। जैसे कोई है जो कि हम लोग कहीं से क्या करते हैं सर्टिफिकेट वगैरह ये सब खरीद लेते हैं, सिर्फ गए पैसा दिए और सर्टिफिकेट बनवा के लाए जमा कर दिए, तो वहाँ पे क्या होता है आपको कोई दिक्कत नहीं, आप गए वो ला करके जमा कर दिए, ये सिर्फ ऐसे ही हो गया, तो उसमें उससे कोई ज़रूरी नहीं है। ये आप लोग कर करके देखिए, आपको अगर मन है कि हम कुछ जाने कुछ समझें तो ये आपके लिए बेटर होगा।
तो आप ये जाइए और ट्रेनिंग कीजिए, मैं तो यही कहूँगा। और फिर इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आगे आप लोग अपने कॉलेज में जाएं, अपने कॉलेज से संपर्क करें, हर एक कॉलेज का भी नोटिस आ चुका है कि ये करना मस्ट है, जो नहीं करेंगे उनका फॉर्म नहीं फिलअप होगा। तो आप लोग अपने कॉलेज से संपर्क करें, किसी भी तरह से फ़ोन वगैरह ये सब के माध्यम से संपर्क कीजिए, किसी सर से अपने अपने ब्रांच के HOD वगैरह ये सब हैं उनसे आप लोग संपर्क कीजिए और उनसे आइडिया लीजिए कि सर मैं कहाँ पर ट्रेनिंग करूँ, वो भी आपको गाइड लाइन दे सकते हैं। तो आप लोग अगर कॉलेज से गाइडलाइन मिलती है तो उसके अनुसार आप लोग करिए, या फिर उसके अलावा आप लोग को अगर कॉलेज से कोई नहीं बता पा रहे हैं तो वो कह रहे हैं, वो आप पे अगर छोड़ दे रहे हैं कि आप जाइए आप कहीं से भी करके आइए, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक नोट अप्लीकेशन लिख करके अपने कॉलेज में देना पड़ता है कि मैं यहाँ से करना चाहता हूँ, अपने प्रिंसिपल को या HOD को लिख करके दीजिएगा। उसके बाद वो आपको एक लेटर प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग लेटर, वो आप जा करके जिस भी ट्रेनिंग सेंटर में आप करना चाहते हैं उसके लिए आप लेटर वहां से लेकर के वहां पे जा करके आप वहां पे ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो इससे करने से क्या होगा कि एक आपको एक बेसिकल नॉलेज होगी कि किस तरह से हमारा ये जो है जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पे बेस्ड जितने भी सारे हैं वो किस तरह से ऑपरेट हो पाते हैं, किस तरह से वर्क परफॉर्म कर पाते हैं। तो इससे आपका एक बौद्धिक विकास होगा, उसके बारे में टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानिएगा, देखिएगा, खुद से देखिएगा वहाँ पे जा करके, तो आपको कुछ ना कुछ तो उससे आइडिया मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आप लोग के लिए बेटर है। तो ये कुछ एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा वहाँ पे, आप जाइएगा तो आप डिप्लोमा लेवल के इंजीनियर वगैरह सबसे भी मिलेगा जो कि वहाँ पे अभी वर्क कर रहे हैं, तो उनका किस तरह से वर्किंग होता है ये सब आप लोग को देखने को मिलेगा। वो अपना जैसे वहाँ पे जाइएगा तो वहाँ पे वो जो सर हैं वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो इससे आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर आइडिया मिलेगा और कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो आप लोग इसका बखूबी इस्तेमाल कीजिए, इसको यूज़ कीजिए और इसमें जा करके आप लोग करिए, ताकि आप लोग के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि क्या है नहीं है, तो ये इसके बारे में एक कॉन्फिडेंस आएगा आप लोग के और आप लोग के अंदर एक मनोबल बढ़ेगा कि नहीं हम पढ़ रहे हैं तो हमको ये इन क्षेत्रों में वर्क करने का मौका मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमको इस तरह के काम वगैरह ये सब करने को मिलेंगे। तो आप लोगों से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाएं और अपने स्तर से जहाँ पे जिस तरह का है वहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। और आप लोग को ज़्यादा डिटेल के लिए अपने कॉलेज से संपर्क कीजिए कि सर कैसे होगा, कहाँ पे क्या करना है, तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो बने रहिए पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ और भी अधिक जानकारी के लिए।